की सबसे महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं, जहां बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में सैनिक सम्मान कार्यक्रम हुआ। सैनिकों को सम्मानित किया गया। और फिलहाल सुनिए केंद्रीय मंत्री। बड़े रूप में एक अभियान हमने छेड़ा है, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि देश को और मजबूत बनाने की एक नई दिशा जो देश ने ली है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा नेतृत्व जो आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला, और उसके अंदर हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को अपना योगदान देना आवश्यक है। तो ऐसे नागरिक, ऐसे भारतीय जो कई सालों से ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं और भारत के लड़ते आए हैं, ऐसे पूर्व सैनिक आज पूरे के पूरे पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और इसीलिए यह अभियान एक महीने का हमारे पूर्व सैनिक चलाएंगे। इस पे और कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पार्टी जो अभियान चला रही है, ये केंद्र सरकार भी इस तरह का अभियान चलाएगी, आपकी सरकार है तो कैसा रहे? आपका विचार है, मैं वहां तक लेके जाऊंगा, लेकिन अभी पार्टी चला रही है अभियान। जी और कोई प्रश्न तो अलग में करेंगे, बाद में कर लेंगे, क्योंकि अलग हटके तो अलग से करेंगे। जी मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ, मैं एक ही रोल में कैसे रह सकता हूँ? मैं भारत का सैनिक हूँ, भारत का सैनिक भी हूँ, भारत का खिलाड़ी भी हूँ। और कोई सवाल हो जर्नलिस्ट द्वारा? सैनिकों के लिए पूरा अभियान चल रहा है, केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, तमाम चीजें बताइए। पिछले विधानसभा चुनाव में जो शेखावट इलाका है, जहाँ पर ज्यादा अपोजी, जहाँ पर सैनिक परिवार थे, वहाँ पर बीजेपी की कुछ खास स्थिति नहीं थी, उसका कारण क्या? देखिए, ये चुनाव के अंदर क्या परिणाम रहे पहले, उसके वो अपना अलग एक चर्चा का विषय है। कई बार जो कारण रहते हैं, पार्टी उसके ऊपर चिंता करती है और उसमें कुछ दुरुस्तीकरण करना होता है, कुछ सही करना होता है, तो उसको सही भी करती है। लक्ष्य आज अभी राजस्थान का नहीं, अभी लक्ष्य हिंदुस्तान का है, जिसके अंदर राजस्थान, असम, अरुणाचल सब शामिल है, और उसके अंदर हम सबको मिलकर, चाहे हमारी कोई भी जात हो, चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, चाहे हम किसी भी प्रांत से आते हैं, हम सब भारतीय हैं, और आज भारत का नाम और ऊंचा करना है और भारत को और मजबूत बनाना है, उसके लिए पूर्व सैनिक लगेंगे। मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई अभियान और हो नहीं सकता, इसलिए मैं आज आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी देश को सुरक्षित रहने के लिए, और जब मैं बोल रहा हूँ किसी भी, तो यानी विश्व में किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए सेना तो साथ में जुड़ती ही है हर तरह से, लेकिन यहाँ पूर्व सैनिक है हमारे साथ, सेना नहीं है। तो पूर्व सैनिक भी अपने मन में कई विचार रहते हैं, कई भावनाएं रहती हैं, जो जब सैनिक वर्दी में होता है, ऊपर से नीचे तक बंधा होता है, ऊपर टोपी होती है, बीच में बेल्ट होती है, नीचे जूते होते हैं, चारों तरफ से बांध दिया जाता है, तो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। आज जब खुल जाता है सैनिक, तो विचार प्रकट करता है, और किस तरह से राष्ट्रीयता, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर आता है, वो खुले रूप में दिख रहा है। अलग से बात करेंगे, नहीं, अलग से बात सभी को दिया है। देखिए, हमने एक मिनट में बात कर लेता हूँ। हमने हर वर्ग को ये जो प्रश्न अभी उठाया, एक सेकंड में बात कर लेता हूँ। अभी जो प्रश्न उठाया वो ये प्रश्न था कि मकानों को, जो स्वतंत्रता संग्राम में रहे उनके मकान देने की बात आपने एक प्रश्न रखी कि वसुंधरा जी ने मकान देने की बात रखी थी। हमने उन्हीं को नहीं, हमने हर वर्ग को करा। जितने मकान
जितने मकान लोगों के लिए, जो गरीब वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, जिन जो जरूरतमंद थे, आजादी से आज तक नहीं बने, उससे ज्यादा मकान हमने पिछले 5 साल के लिए अंदर बना दिए। हर गांव के अंदर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिलेंगे। ऐसे लोगों के पास मकान बन रहे हैं जिनके नीचे उनकी खुद की जमीन नहीं होती थी पांव के नीचे, आज सर के ऊपर उनकी खुद की छत है। और उससे पहले बंगाल में पूरा जो गठबंधन के लोग थे वो इकट्ठा हुए, वहाँ परमिशन मिल गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ को वहाँ परमिशन नहीं मिली, किस तरीके से देखते हैं? मैं पता करूंगा, चिंता की बात है नहीं। क्या ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बढ़ा लेगी या लोकसभा में सीटें बढ़ा लेगी? क्या डर था, किसकी वजह से उन्होंने मना किया? देखिए, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने में, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन तरीके अपनाने में न केवल वो भारतीय जनता पार्टी को रोक रहे हैं बल्कि देश की तरक्की को भी रोक रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपने पश्चिम बंगाल की बात करी, पश्चिम बंगाल के अंदर कई केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको रोका जा रहा है कि वो वहां पर शुरू ही ना हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से, जिस गति से काम हो रहा है केंद्र सरकार का, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये सारे विपक्ष को आज चिंता हो रही है कि एक ऐसी सरकार है जो बिना स्कैम और बिना घोटाले के सरकार चला रही है। उनको ये चिंता हो रही है एक ऐसी सरकार है जो खुद भी नहीं खा रही और दूसरों को भी नहीं खाने दे रही। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। हमारे सारे दुश्मन आज, सारे के सारे देश के दुश्मन आज इकट्ठे हो चुके हैं। तो बड़ा बढ़िया अवसर है आपके पास, एक शानदार अवसर है आप सबके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो जन आकांक्षा नहीं है, वो खुद की आकांक्षा है। वो खुद की आकांक्षा रैली है वहां पर कि किसी तरह से हम बच जाएं, किसी तरह से ये वाला 2019 का चुनाव ऐसे चला दे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से नहीं आ। केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, जहां पे वो सैनिकों की क्या भूमिका अब रहेगी आगे चलकर, उस पे वो फोकस कर रहे थे। इस बीच हम